مبني قبل الإسلام في زمن عيسى قديم، مولد الرسول شط الإيوان، طفت نار المجوس وسقطت 14 شو اسمه شرفة كان موجود هيك مثل القرف فوق البوابة مال الكسرة. إمام علي بعد أن جاء إلى تقسيس سلمان جاء إلى هنا نماز ركعتين. إمام علي إمام علي فقط معلومات بارك الله. ये एक महल है जो किसरा बादशाह यानी ईरान के बादशाह का महल था और ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की पैदाइश से बहुत पहले का बना हुआ है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए उस पैदा होने के लम्हे में इस महल में जलजला आया था और इसके 14 किंगरे गिर गए थे, दीवारों में दराड़ें आ गई थी। ये हुजूर की पैदाइश के वक्त मौजज़ा आपका ज़ाहिर हुआ पहला, जिसे सय्यदा आमना पाक ने पैदाइश के वक्त देखा था। आप लोग सुनते रहते हैं मिलाद शरीफ की बात, तो ये वो बड़ी अहम जगह है। और किसरा बादशाह उस वक्त का अमेरिका समझी और ये उसका वाइट हाउस समझी, वो बहुत बड़ी ताकत थी, मजूसी लोग थे। तो आप सल्लम की पैदाइश होते ही इसके अंदर ये दराड़ें आईं जिसने ये बताया कि अब फतह इस्लाम की है, गलबा इस्लाम। ये वो महल है जिसे हम सुनते आए तारीख में शुरू से, इसे देखेंगे एक तारीखी बात है। और आप सल्लम की हम उससे इसलिए सुनवा रहे थे कि हम लोग जो सुनते हैं बयान करते हैं बात करते हुए आ रहे हैं तो इसमें कोई फ़र्क है, उसने वही बात कही है जो हम लोग बयान करते हैं कि 14 के गिरे ब्लास्ट दिमाग गिरे। तो ये पूरी उम्मत के अंदर एक ही बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखिए गिर गया ना, वाह 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 के बता दिया कि हमें अब खड़े होने का कोई हक नहीं, अब जिनको सरकार खड़ा करेंगे वही खड़े होंगे। हजरत वो शेर पर आपको बना दीजिए जरा तर से, वो पढ़ रहे हैं ये जो पढ़ रहे थे दोनों जिसमें इसका जिक्र आया अला हजरत का हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, बिस्मिल्लाह फारस मजिद के पलेंगे रात जाएंगे, मिस्र फारस नजीद के खिलेंगे रात जाके हो जाए दो जल कर, मगर हम तो रजा खाके हो जाए दो जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, नारे रिसाल या